आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिन जिन लोगों का विचाराधीन दिखा रहा है इसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों का अनुशंसित दिखा रहा है और बहुत सारे लोगों का अस्वीकार किया गया दिखा रहा है। तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब है और इसको क्या करना चाहिए और इसका कैसे हल होगा। वेलकम गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त एमआर के और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं उसे आप सबसे पहले देख सकें। और साथ ही में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन कि ये देखिए, ये दिख रहा है विचाराधीन, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में बोले तो इसको पेंडिंग बोलते हैं। मतलब इसका मतलब अभी तक आपका कागज वेरीफाई नहीं हुआ है। मतलब ये जो कागज वेरीफाई करने का जो जिम्मा जाता है वो एएनएम और आशा फैसिलिटेटर को जाता है। जिस तरीके से आप ऐप में लॉग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कार्य ऐड करते हैं, मतलब कार्यों का दावा करते हैं, उसी तरह ये सब का चेक करने का जो श्रेय है वो आशा फैसिलिटेटर और एएनएम को जाता है। वो लोग भी यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके सभी आशाओं का चेक करता है। तो जो भी आपका आशा फैसिलिटेटर और एएनएम है अभी तक आपका चेक नहीं किया है, ये अभी पेंडिंग में है, अभी रुका हुआ है अपने जगह में। तो जब इसका वेरीफाई हो जाएगा, यदि वो स्वीकार कर लेगी तो आपका अनुशंसित दिखाएगा, इसका मतलब आपका सक्सेस हो गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। नंबर दो, जिन लोगों का अनुशंसित दिखा रहा है इसका मतलब उनका स्वीकार कर लिया गया है, उनका एक्सेप्ट हो गया है, अब उनका पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। नंबर तीन, जिन लोगों का दिखा रहा है अस्वीकार किया गया है तो इसका मतलब उनका रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके फॉर्म में या उनके दावा में कुछ गलत है या डेट का गलत होगा या फिर किसी चीज का गलत होगा, इसलिए आपको उसको सुधार करना है। फिर से आपको ऐप में जाना है, वहां से आपको एडिट करके सही सही चीज डाल करके फिर से आपको अप्लाई करना है। तो ये तीन चीज है। यदि जिसका भी विचाराधीन दिखा रहा है तो वो क्या करें, तो इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ आपको इंतजार करना है कि कब तक वेरीफाई होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि अपना एएनएम और आशा फैसिलिटेटर को फोन लगा करके बोल सकते हैं कि मेरा कागज को पास कर दीजिए, मतलब मैंने जो दावा किया उन कागजों को चेक करके जल्दी से रिपोर्ट भेजिए ताकि मेरा पैसा आ जाए। बस इतना ही आज की इस वीडियो में, इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए आशा सहायता समूह। जय हिंद, जय भारत।